والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق जिक्र खुदा हो जिक्र मुस्तफा ना हो, जिक्र खुदा हो जिक्र मुस्तफा ना हो, मेरी मुंह में सी जुबान हो खुदा ना करे। अरे वो कुमार हो तुम अपने सर समझाई अल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह वसलम सब ले। ये चार छोटे छोटे रुमाल है, चारों बच्चों में एक एक बांट दो, तकसीम कर दे एक एक बच्चे पे। बेटा ऐसे छुपाना नहीं, ऐसे ही दिखाना तो वहां लोग प्यारे बच्चों, मैजिक का पहला सेगमेंट छोटे छोटे से रुमाल हैं जो चार बच्चों के पास हैं। हर बच्चे का जो कलर डिफरेंट है, आप अब याद रखना आपको कौन सा कलर दे, ये जहन में रखे चारों बच्चे। आप इन सबसे वापस ले मुझे दे चार रुमाल है प्यारे बच्चों।
ये मेरे इस हाथ में है, इसमें नहीं। अब मैंने इस हाथ में कर दिए ये रुमाल, और ये सारे रुमाल मेरे हाथ में आप सबके सामने। रुमालों को मैंने बार बार आपको दिखा देता हूँ, कोई ये ना समझे इसने गायब किए कहीं पे, ऐसे ऐसे कहो तो मैं इनको आपको जुदा जुदा करके दिखाऊं। एक ये है वाइट, येलो, ब्लू है, और ये रेड है। ये कितने रुमाल है? चार। अब चारों को मैंने देखो पहले रेड को छुपाया, ठीक है, इसके बाद ये कलर है, ये भी मेरी मुट्ठी में गया, इसके बाद ये गया, और आखिर में ये जो रुमाल है ये मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में पूरे चार रुमाल है। भाई हैं या गायब हो गए? गायब कैसे हो सकते हैं ये रहे? गायब नहीं हो सकते रुमाल, कैसे गायब हो? चलो मेरे हाथ से अगर आप समझ रहे हैं गायब होंगे तो मैं इनको दे दूं। क्या नाम है आपका? साबित। हाथ सामने करो, सीधा करते हैं, और इस मुट्ठी के अंदर चारों रुमाल छुपा। भाई रुमाल मेरे पास है या भाई के पास है? भाई के पास। मेरे हाथ खाली, रुमाल इसको दिए, ऐसे हाथ करो और इस पे चार दफा फूंक मार दे। यहां से एक रुमाल निकालो, हर एक का रुमाल वापस कर दो, जल्दी करो। शाबाश, ये कोई चार नहीं, ये एक रुमाल है, इसी के हाथ। हरे हरे हरे। ना कोई सिलाई, बिना खंड हाँ भाई, दो रिबन इस 500 रुपए ने दिए, मैं आपके सामने इस 500 रुपए को पानी पिलाता हूँ। ये देखिए, ये पानी पिएगा और पी के चला जाएगा। ये पी लिया इसने सारा। क्या नाम है आपका? फरहान। इसने क्या पिया? वेरी गुड, 500 रुपया पानी पिया, सारा दिखाया खोल के। पानी जो इसने पिया है मैं इसे वापस लूंगा, सामने मुंह करूं, और ये मिल गया। लो भाई, मैंने इस पानी के साथ जैसे पानी वापस हुआ तो हमने उसके रिबन जो है उसको दे दिए 500 को, और उसने अपने दोनों रिबन रख लिए। और सामने लो भाई, छोटा भाई हमारे पास मौजूद है। खामोश क्यों है? और पानी चाहिए। अरे भी है आगे हो जाइए। लो भाई, इसका पानी मैंने फेंक दिया, इसका पानी इसके पेट में। आप तो जानते थे मुझसे कुछ चीज खा पी लेता, मैं उसे वापस मांग लेता हूँ।
500 रुपए से हमने पानी वापस लिया, अब हम इससे भी वापस करेंगे अपना पानी, करो भाई वापस। क्यों? बड़ी बात है, किसी की चीज पे कब्जा नहीं करते, पानी निकालो मैं। अच्छा भाई कह रहे कैसे, भाई पीने से पहले इसने पूछा कैसे पी, नहीं पूछा ना, चल बेटा बुरी बात, किसी चीज पे कब्जा नहीं करते, निकालो। भाई मैं भी इसके कान से निकलवा, निकाल छोड़ दे। भाई उसने ज्यादा पिया है थोड़ा दिया, वो भी निकाल निकाल। और भी छुपा रखा है पेट में, झुक जाओ ऐसे झुक जाओ। भाई निकाल रहा है कि नहीं है? निकाल रहे। चले जाओ। प्यारे बच्चों, जो लंबा लड़का है उसके लिए इतनी लंबी रस्सी का ये टुकड़ा उसको हमने दिया, ये ले पकड़े इसे और ऐसे हाथ ऊपर कर ले जितना कर सकते हैं। और उसके बाद ये छोटा, इस छोटे के लिए, सबसे छोटा सबसे छोटे के लिए, जो भी तीन बच्चे, एक नॉर्मल बाजार से मिलने वाली रस्सी है जिसके तीन पीसेस हमने किए हैं और उनके साइज बराबर नहीं है, जैसे लड़कों के कद बराबर नहीं है। आप खींच के देखो कमजोर है मजबूत है, आप चेक करो। ये छोटा टुकड़ा है, इसके बाद ये इससे बड़ा है और आखिरी जो है वो सबसे बड़ा है, ये लंबा टुकड़ा। ये अब ये तीनों मेरे हाथ में, ये छोटा, ये बड़ा और ये सबसे बड़ा, हर एक के किनारे दो ऊपर की जाने। अब हो गए तीन, और तीन के बाद बच्चों चार के बाद सर हले तो भी वापरो, हम दोनों चल साले तो भी बच्चों ना। छः, यानी एक दो तीन चार पांच और ये छः। आपकी रस्सी कौन सी, हाथ लगाओ। रस्सी के लिए छोड़ दें। आपकी कौन सी है, छोड़ दें। आपकी कौन सी है, ये वेरी गुड, ये लंबी, ये छोटी और ये सबसे छोटी। मेरे हाथ खाली, मैंने जैसे ही इशारा किया तीनों रस्सियां एक जैसी। एक दो और ये तीन, इनके साइज में कहीं डिफरेंस नहीं। एक दो और ये तीन, अब यहाँ भाई आप बताओ आपकी किधर है। तुम्हारी छोटी जो तेरे हाथ में पहले थी वो ये है, ये है, ये है, दो भी बराबर है कि नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों ये पहले जैसी है, देखने में लगता है ये छोटी है और ये बड़ी है और सबसे बड़ी ये। ये रिबन दिखाए, लहराए, एक दो तीन और ये डंडा। प्यारे बच्चों ये रिंग्स हैं मेरे पास, एक दो तीन चार। आपका नाम अब्दुल्ला, इस हाथ में कितने रिंग्स हैं? वेरी गुड। और इस हाथ में कितने हैं? दो और दो कितने हुए? वहां सामने मेरी तरफ फेस करें। अगर मैं आपके फेस पे यूं फेंक दूं जोर से
अगर आपको चोट लगे आप नाराज तो नहीं होता, आपका चेहरा भी खराब होता है, कोई मसला नहीं। चले भाई लगते हैं, लोहा है ओरिजिनल पकड़ के दे भाई, फेंक दो। बच्चों क्या राय है आपकी? लो बे बच्चों फेंक दो, ये और ये नहीं जाना। बताओ इसके अंदर कहां से इंटर हुआ? ये आपके चेहरे पे गिरने वाला था मगर नहीं गिरा, इसके अंदर चला गया, कैसे? रास्ता ढूंढो, रास्ता फिर कैसे जा सकता है? लिंक कैसे ऐसे जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, सोचे बताएं कि भाई अब्दुल्ला इधर को जाने। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं इसके चेहरे पे फेंक रहा था, चेहरे पे ना लगता, दीवार से जा टकरा था कहीं भी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कोई इंट्री स्पेस नहीं है, आप इस हॉल में इस जगह पे आप अपने स्कूल में इस दरवाजे से दाखिल होते हो, ऑफिस से दाखिल होते हो, मगर इंट्री स्पेस होना जरूरी है। ये यहाँ सारा दिन ऐसे बजाते रहो, इसको मारते रहो, देखें, मगर ये इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि रास्ता नहीं है। अब्दुल्ला उसे केयरफुली देखने, रास्ता है हर इंच से, ऐसे ऐसे यूं करके तसल्ली से, तो से देखें ये ऐसे कैसे जा सकता है अगर ऐसे करेंगे यूं टच हो जाएगा अंदर, इन साइड जो है लाना मुश्किल, ऐसे करके ऐसे मैं आपकी आंखों के सामने लाता हूँ, देखो कहाँ से लाया। लो भाई ये और ये अंदर है कि बाहर है? अंदर है। जोर से बोल, इधर है, जोर से बोल, अंदर है, बाहर है। लो भाई ये साइड, ये आउट साइड, ऐसे करके यूं घुमा लो और ऐसे दिखा लो, इनमें कहीं कोई रास्ता नहीं है, ना होगा ना ही होता भी नहीं, इसलिए जो मेरा असिस्टेंट होता है उसके हाथ में थमा देता हूँ ताकि वो अच्छी तरह देखे। अब्दुल्ला भाई आप इसे निकाल सकते हो, इस रिंग को, इस दूसरे को, तीसरे को हाथ में पकड़ लो, ये और ये। खैर आप सब लोग ये देखें कि रास्ता बनता कैसे, देखें आप इसका तरीका ये है, ऐसे पकड़ के ये दरमियान वाली उंगली छोड़ दे और ऐसे घुमा के इसके अंदर कर सकते, तमाम रिंग्स यहाँ ऐसे 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 ऐसे, मगर जब लाने हैं यूं करके यूं ले आओ, फिर ऐसे दिखाओ इसको लाने के लिए, ऐसे जोर लगाओ, ऐसे 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 कैसे लाऊं? ये रुमाल है और ये बोतल है, बोतल पे ढक्कन है, ढक्कन ऐसे खुल भी सकता है, ठीक है, और इसमें से रुमाल बाहर किया, मगर हम ढक्कन बंद रहे। बताओ रुमाल कैसे निकालो? नहीं नहीं बताना है, करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ जबान से बताओ कि कैसे बाहर डाल सकते हैं, ढक्कन के अलावा कोई रास्ता है? पक्की बात है, तसल्ली कर रहे हैं आप? प्यारे बच्चों ये जो नौजवान मेरे साथ मौजूद है इसका कहना है कि कहीं और कोई रास्ता है ही नहीं बाहर आने के लिए। आवाज ना दे भाई, थोड़ी देर का बाद जो छोटे चेहरा नहीं बोलता जनता का, थोड़ी देर में ये बच्चा रुमाल की जगह पर होगा, रुमाल बच्चे के नीचे होगा, रुमाल यहाँ पे खड़ा होगा, बच्चा बोतल के अंदर होगा।
हाँ बच्चों कहीं कोई रास्ता नहीं है, बच्चा सही कह रहा है, मैं भी समझता हूँ, हर आदमी देखने वाली है, समझे इसका ढक्कन खोले और ढक्कन मुझे दे। लो भाई ढक्कन मैंने लिया, रेड कलर का ये ढक्कन है, और अब इसका उल्टा करके इसको रुमाल को खींच के निकाल लें जल्दी से। रुमाल मुझे दे दे, ये रुमाल, रुमाल वापस ले लो, बोतल दे दो, ये बोतल। प्यारे बच्चों इसमें से जो हमने निकाला वो रुमाल, तो वो कैसे निकाला? ढक्कन खोलने के अलावा ये लड़का निकाल सकता था? नहीं, कोई रास्ता नहीं था। उधर देखिए सामने, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इसमें कहीं कोई रास्ता नहीं है, एक कतरा पानी भी इसमें नहीं जा सकता। हम इसका ढक्कन दोबारा से बंद करते हैं, और बंद करने के बाद ढक्कन बंद या खुला? अब ये सारा दिन ऐसे हिलाओ, सारा दिन ऐसे झुकाओ, मगर ये नहीं जाएगा क्योंकि इसका ढक्कन हमने बंद किया है। थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। अब दूसरा इसका मरहला आपने देखना है कि ये बोतल बंद ढक्कन किया हुआ, रुमाल निकला हुआ, हमने लिया इस बोतल के अंदर, यूं इस पाइप के अंदर छुपाया और इसका ढक्कन ढक दिया। पाइप के अंदर हमने क्या छुपाया? अब आम उधर बैठिए बेटा, आगे होके ऐसे दिखाते मेरे पास तो नहीं है ना, पक्की बात है भाई। इसके हाथ से रुमाल कैसे गायब होता है ये आपने जरा देख। इसके हाथ में रुमाल है, गायब हो गया इसके हाथ से, मेरे हाथ में आ गया। बोले उसके हाथ में तो नहीं है ना, मैंने कहा था मैं उसके हाथ से गायब करूं, भी उसके हाथ में तो नहीं है, जैसे भी गायब हुआ। खैर ये मैंने लिया और इसको मैंने मुकम्मल छुपा दिया। बताएं कहाँ छुपाया? हाथ तो खाली है, उसमें है, ठीक है। ओ हाँ है, मैं भूल जाता हूँ। फिर मैंने छुपाया, कहाँ छुपाया? मुट्ठी तो खाली है, इसमें है, हाँ अब कहाँ है? अब इसमें नहीं, ये तो खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। अच्छा मैं चेंज कर देता हूँ, हाँ आप सही कह रहे हैं। खैर मैंने इसको छुपा दिया, कहाँ है? हाथ खाली, इसमें, कहाँ है? कहीं भी नहीं है, ये हाथ इस हथेली पे है, इन लकीरों के बीच में है, इस जगह पे। दिखाऊं? लो देख लो, आंखों से देखा करो। ये मैंने लिया और ये मैंने छुपाया आपके सामने। छुपाने के साथ यूं लकीर लगानी है, रूंगी तमाम खोल देनी है, पूरा हाथ दोनों खोल देना। खोलने के बाद मैं आपके सामने ये स्टिक लाता हूं, ये पेन है, बाल पेन है, मैंने लिया और यूं इशारा कर दिया, इसे फेंक दिया, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। ढक्कन हटाया और वो जो बोतल जिसका ढक्कन बंद था उसके अंदर रुमाल चला गया। नौजवान अपने आखिर में इसका ट्विस्ट है, प्रोग्राम की खूबसूरती एंड पे है कि जब बंद बोतल का जो ढक्कन है उसके अंदर रुमाल कैसे पहुंचाया जाता है। ढक्कन जब बंद होता है कोई चीज अंदर जा नहीं सकती, बाहर आ नहीं सकती। दो लड़कियां
मौजूद है मेरे जो कौन से लोग हैं और जो कृपा जैसा था वैसा ही मेरे पास मौजूद है पहले की तरह और इसमें फिर से लोग अब ये लिया और इसके बाद आप देख के फिर से हैरान हो गए जो डेकोरेशन पीसेस हम इसमें से बरामद कर रहे थे वो मुसलसल इसमें से बरामद हो रहे हैं और निकल रहे हैं ये आपके और इसके बाद फिर ये पैसे पकड़े गए एक बार खजान जमा कर ले और फिर डेकोरेशन पीस ये जैसे था वैसा ही रहेगा क्या है इसमें क्या है भाई बच्चे बहुत अच्छे और बच्चे सारे समझदार हैं अकलमंद हैं मगर इसमें पैसे फिर भी मौजूद अल्लाह इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो या यूं उछालो आपकी मर्जी ऐसे दिखाओ फिर भी आपकी मर्जी और इसमें जो है आप दिखा सकते हो ये लो ये डबल आखिर में मुझे देना करुण का खजर छुपे में नजर तो लगे थे ताकि गाड़ी दिख रहे ये पैसे इन दोनों तालबात के सामने दो ताल जो लड़कियां हैं जो आपके स्कूल की हैं इनके सामने इसी डिब्बे के अंदर मैंने पैसे रखने हैं और ये आपके सामने देखेंगे कि पैसे इसमें मौजूद हैं हाँ भी पैसे हैं या नहीं वेरी गुड है कि नहीं अब ये लड़कियां जो हैं इस पे अपना हाथ लगाएंगे आप जो है अब यहाँ हाथ लगाओ इधर बाहर की तरफ आप इस तरफ से ऐसे हाथ लगाओ हाँ क्या इसमें पैसे मौजूद हैं कुछ भी नहीं क्या इसमें पैसे हैं इसके 20 वाले नोट और उसके 10 वाले नोट सारे गायब हो चुके हैं पैसा नहीं है ये तो गलत बात है पैसे देके वापस होने के बाद ये डब्बा में आराम से बैठे बिल्कुल खामोशी से चलो छोटी सी बच्ची तैयार हो सामने हो जाओ और आगे नहीं नहीं कुछ ना ऊपर ही हाँ काफी कुछ दिया इसमें क्या है भाई इसको नजर में सही आता है अब क्या है वेरी गुड कासिम तो बहुत अकलमंद लड़का है भाई आप इसमें हाथ डाल के अच्छी तरह तलाशी लो क्या है क्या है ये रास्ता हमने इसलिए खोला ताकि इसकी अच्छी तरह तलाशी हो जाए और देख लें कि इसमें सिर्फ दो रुमाल हैं दो से जायद रुमाल नहीं इसके रास्ते पे एक जंजीर एक रिप लगा रखी है उसको हम खोल के दिखा सकते हैं अगर ऐसा ना होता तो इसको उल्टा करके यूं दिखा सकते हैं रुमाल इसमें है आप आंखों से देखें शुक्रिया लड़की एक रुमाल निकालो एक शाबाश निकाला तो दूसरा भी निकालो अब इसमें क्या है अब क्या है अब क्या है निकाल जल्दी कर क्यों नहीं यार अभी तो लड़की ने निकाले थे आगे लड़की निकालो एक रुमाल देखो ये एक है ये है कि नहीं कितने हैं तो मजाक को अपने बेंच पे बिठा के आना था उसको भी साथ रुमाल कब देते यार लड़की निकालो हदीस हदीस हदीस
हरे हरे जाएंगे चलो चलो हाथ रखो एक रखो पहले रख लो मुंडे कटे कल मथे पे आंखों से देख निकाल दे यार लड़की बार बार जीत रही है तेरे बिना आराम कर रही है भाई बच्चों है कि नहीं है जल्दी करो पकड़ दो भाई ये तंग कर रहा है लड़की निकालो पानी अगर भरे तो पानी भरे तो मजो ना पाकिस्तान 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 हां विजय बाबा हां विजय बच्चे इस गिलास में जो पानी है उसकी कैपेसिटी से ज्यादा मैंने डाला तो वो नीचे गिर गया बैठ गए आप अदवेरे 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 गिलास अदवेरे अदवेरे इस पर कपूर लगी मुझे 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 और ये मेरे उल्टे हाथ के ऊपर है बच्चों ये गिलास नीचे क्यों नहीं गिर रहा बताओ अगर हाथ हटा दूं गिलास गिरेगा कि नहीं नहीं गिरेगा हटाओ ये हटा दी उस हाथ में पकड़ा नहीं नहीं इस हाथ की बात नहीं थी जो नीचे था इसका तो फिक्र ही नहीं हुआ देखो ये मेरे साथ साथ चल रहा है ऊपर नीचे आता है ऐसे घूमता है पानी तो है ये देखो ये बाहर टिक गया हाथ भी छोड़ा आप तो पानी इसमें है नहीं है अब ये पानी के छींटे आपको ऐसे दिखा पानी से भरा गिलास मेरे पास और मुसलसल ये टपके क्योंकि इसमें बारिश का सुराख हम इसलिए कर देते ताकि इसकी हकीकत साफ साफ आती रहे इसमें पानी मौजूद है शायद इसकी सतह भी आपको नजर आ रही है पानी की और ये कपड़े बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं और पानी पसंद ना आयो क्या आयो क्या आयो पता नहीं क्या हां मेरे मजा का बड़ा को दे रहा है नंबर 1 2 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 जब इसके साथ बाद में ना जो है ना मैं आपको जो सेगमेंट दिखाऊंगा उसमें दो बच्चे ही होंगे शामिल मगर वो बड़े लड़के बुलाए जाएंगे एक छोटी सी छोटे बच्चों के लिए ट्रिक है और ये कैंची है और कैंची के साथ हम इसे काट देंगे ये रस्सी कट जाएगी और दो हिस्सों में बढ़ जाएगी छोटे आपसे कटवाएंगे काट लोगे चलो भी छोटे बच्चों को देखते हुए मेरे जहन में ये ट्रिक आ गई मैं कैसे भी परफॉर्म कर रहे छोटे काट दिया और बड़ी छोटी रस्सी कोई बात नहीं अब इनमें से एक रस्सी आपको देनी है एक मैंने रखनी है आपको कौन सी चाहिए छोटी या बड़ी बड़ी चाहिए बड़ी का हिस्सा आपकी तरफ होगी और छोटी का हिस्सा आपकी तरफ और ये हिस्सा जहां से कटा ये मेरी मुट्ठी है ठीक है कि नहीं अब आपने क्या करना कैंची वहां रख लो डरो नहीं घबराओ नहीं बिल्कुल ना घबराओ बिल्कुल ना घबराओ और इसको यूं कर और अभी नहीं अब इसके दो सिरे जो उनसे आपने काटे वो मेरी मुट्ठी में आप थोड़ा सा हाथ को ऊपर और ऊपर करो और ऊपर करो छोटे लड़का बड़ा तो कर सकता है मगर छोटा है थोड़ा सा ऊपर करे आप थोड़ा नीचे करे डाउन करे बिल्कुल ये सीधी होनी चाहिए अब मैं आपके सामने क्या करता हूँ सिर्फ ये जो कलम है ये बाल पेन है इसको ऐसे मैंने गिराना ऐसे
भगवान आए थे आवाज ना जा रही है नमः 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 मजबूत रस्सियां और ये प्लेटें आप यहाँ डालें ऐसे और आप इस तरफ नहीं लो मेरे प्यारे बच्चों ये प्लेटें जो हैं ये छह हैं हमारे पास और ये प्लास्टिक की हैं ये हाथ नहीं छोड़ेगा ये भी नहीं छोड़ेगा नहीं आ सकती ऐसे करेंगे आज सूरत में सकती है कि हम इनको बिल्कुल दो टुकड़ों में सकती है छोड़ दें या रस्ते को काट दें या इनके हाथ हटा दें लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका इनको ऐसे किया इनको ऐसे किया और आपकी आंखों के सामने जो बंद एक रस्ता छोड़ भाई मैंने बंद कर दिया फिर मजीद इसको मैंने जो बांध और ये भी बांध अब तो और ही मुश्किल हो गया ना अब तो गिरा लग गया डबल इनको ऐसे हिलाओ या इनको ऐसे घुमाओ ये कतर बाहर नहीं आएंगे क्योंकि इनको हम बांध चुके हैं दोनों जाने से रस्ते मजबूत यहाँ भी यहाँ भी यहाँ इनको कैसे बाहर लाए बताएं कैसे बाहर ला सकते हैं खोल के वेरी गुड बच्चों का मशवरा बहुत अच्छा मुफीद और हमने इनको खोला और खोल के हम इन्हें बाहर दे और रस्ते खींचे और हकीकत में जो बच्चों ने कहा वही हमने कर दिखाया ये प्लेटें इनके पास पकड़ मेरे हाथ खाली इनको हम खोल के बाहर लाए रस्ते मजबूत वही तरीका वही सिचुएशन हमने रिपीट कर दी ऐसे इसके बाद ऐसे और यहां से ऐसे वो बांध दिया ऐसे फिर इसके ऊपर दूसरी गिरा और दूसरी के बाद ये तीसरी और तीसरी के बाद चौथी माँ बच्चों कैसे बाहर लाएंगे आप मशवरा दीजिए खैर हम फिर भी कोशिश करते हैं ऐसे झटके लगाते हैं ऐसे लगाते हैं इनको पकड़ के हम यूं आगे पीछे ऐसे घुमाते हैं ये बिल्कुल नहीं आ रही इनको चाहे तो ऐसे घुमाएं मगर ये फिर भी नहीं आ रही तो इसका फाइनली हमने कैसे बाहर लाना है बच्चों जोर से बोल के अगर हम नहीं खोलते रस्ते बंधे हुए हैं और रस्ते मेरे हाथों में हैं प्लेटें बाहर लानी है और जैसे ही जल्दी कराते तो
फिर हम बच्चों में इनामात का सिलसिला शुरू करेंगे। फिर इनामात के बाद हमारी जूनियर के छोटी तकरीब होगी जिसमें हमारे ये जो हजरात इन औहदों पे फर्ज होते आए हैं उनको नोटिफिकेशन दिया जाएगा।